रिक्वेस्ट करूं आपसे, ऐसे तो आप अंग्रेजी जानते हिंदी नहीं जानते, पर हिंदी जानते हो तो जवाब हिंदी में दे दो। तो आप चाहे तो पंजाबी में भी दे सकता हूँ, आजकल चेयर से डायरेक्शन देना चाहे तो आप तो अंग्रेजी में दे दो, पंजाबी जवाब दे देना है। लेकिन गल है पर मनोज जी तो पंजाबी समझ लेने चंगी। ये तस्वीरें लोकसभा से हैं जहां हिंदी वर्सेज अंग्रेजी को लेकर बहस हो गई। खास बात यह है कि यह बहस लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के बीच हुई। दरअसल संसद में एक पुरानी प्रथा है कि जिस भाषा में सदस्यगण सवाल पूछते हैं अमूमन मंत्री उसी भाषा में उसका जवाब देते हैं, लेकिन वह भाषा नहीं आने पर हिंदी या अंग्रेजी किसी भी भाषा में जवाब दिया जा सकता है। गुरुवार को लोकसभा में इसी भाषा विवाद पर स्पीकर ओम बिरला और केंद्रीय शहरी विकास एवं आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी के बीच हल्की नोकझोंक हो गई। रिक्वेस्ट करूं आपसे, ऐसे तो आप अंग्रेजी जानते हिंदी नहीं जानते, पर हिंदी जानते हो तो जवाब हिंदी में दे दो। तो आप चाहे तो पंजाबी में भी दे सकता हूँ, आजकल चेयर से डायरेक्शन देना चाहे तो आप तो अंग्रेजी में दे दो, पंजाबी जवाब दे देना है। लेकिन गल है पर मनोज जी तो पंजाबी समझ लेने चंगी। चलिए आपको पूरा मामला बता देते हैं। दरअसल प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आयुष्मान भारत कार्ड के अभाव, दिल्ली और पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूरों को होने वाली दिक्कतों पर सवाल पूछा था। इसका जवाब देने पर जब हरदीप सिंह पुरी उठे तो उन्होंने अंग्रेजी में बोलना शुरू कर दिया। इस पर स्पीकर ने उन्हें टोका और कहा कि जिस भाषा में सवाल पूछा गया है उसी में आप जवाब दीजिए। स्पीकर ने कहा कि माननीय मंत्री हिंदी जानते हैं इसीलिए हिंदी में ही जवाब दें। लोकसभा स्पीकर की बात सुन हरदीप सिंह पुरी तुनक गए। उन्होंने कहा, महोदय मैं हिंदी में उत्तर दे सकता हूँ और आप कहें तो पंजाबी में भी उत्तर दे सकता हूं, क्योंकि मनोज तिवारी पंजाबी भी समझते हैं, लेकिन चेयर से जिस तरह के निर्देश आ रहे हैं वह दूसरों के लिए भी होना चाहिए। इसके बाद मंत्री पंजाबी में उत्तर देने लगे। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें फिर टोका और कहा कि अगर पंजाबी में बोलना है तो पहले आसन से लिखित अनुमति लेनी होगी, हिंदी और अंग्रेजी के अलावा दूसरी भाषा के लिए यह जरूरी है। ऑनरेबल मेंबर हैज टेकन एंड आस्क्ड फॉर अ स्पेसिफिक फोकस ऑन आयुष्मान भारत। एक रिक्वेस्ट करूं आपसे, ऐसे तो आप अंग्रेजी जानते हिंदी नहीं जानते, पर हिंदी जानते हो तो जवाब हिंदी में दे दो। तो मैं हिंदी में जवाब दे देता हूँ, आप चाहे तो पंजाबी में भी दे सकता हूँ। हाँ, भाषा जानते हो। जो भी स्टेयर आजकल चेयर से डायरेक्शन देना चाहे तो आप तो अंग्रेजी में दे दो, पंजाबी जवाब दे देना है। लेकिन गल है पर मनोज जी तो पंजाबी समझ लेने चंगी, पर चेयर तो डायरेक्शन जी आंदी है ना, अजकल लैंग्वेज नहीं, बाकी जगह तो भी आ रही। स्पीकर बिरला ने माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हुए कहा कि मुझे पता है कि मंत्री महोदय कई भाषा जानते हैं, आप हिंदी अंग्रेजी के अलावा और भी कई भाषाएं बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ जिस भाषा में सवाल पूछा गया है उसी में जवाब देना होगा, हिंदी अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में जवाब देने के लिए पहले लिखित अनुमति लेनी होगी। इसके बाद आसन की नसीहत को ध्यान में रखते हुए मंत्री पुरी ने कहा कि मैं भोजपुरी टच वाली हिंदी में जवाब देता हूँ। फिर वह हिंदी में जवाब देने लगे। पंजाबी में जवाब देने के लिए आपको मुझे लिख के देना पड़ेगा। अच्छा चलो मैं हिंदी में दे देता हूँ और भोजपुरी का टच दे दूंगा उसमें। अध्यक्ष महोदय, माननीय आप मंत्री हैं, किसी पार्टी को डायरेक्शन नहीं देते हैं, केंद्र सरकार के मंत्रियों को बता सकते हैं। स्पीकर ओम बिरला इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने मंत्री का जवाब खत्म होने के बाद उन्हें निर्देश दिया कि उन्हें आयुष्मान योजना के मामले में दिल्ली और पश्चिम बंगाल दोनों राज्य सरकारों के साथ साथ आम आदमी पार्टी और टीएमसी के नेताओं को भी निर्देश देना चाहिए कि वे इसे लागू करें। इस पर फिर पुरी ने टोका तो बिरला ने कहा कि मंत्री को पता होना चाहिए कि आसन किसी राज्य सरकार को या किसी राजनीतिक दल को निर्देश नहीं दे सकता है, आसन सिर्फ केंद्र सरकार को ही निर्देश दे सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।